बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुमास बड़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी फार्म पे आया हूँ, आज साथ ही एक बंदा हमें बड़ा स्पेशल मिल गया है। पहले से ही बैठा हुआ था, चेक करें। अली डॉन, तो अभी आए हैं। अभी कासिम भाई को फ़ोन करने लगा, उनको बुलाने लगा हूँ। ज़रा एक दो काम है, इंशाल्लाह होंगे तो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं दो दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि वंडा आना है, वंडा आना है। लेकिन मसला ये है कि जिससे मंगवाया हुआ है उसके पास ही भी आगे अवेलेबल नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ से अगर अवेलेबल होगा फिर हम उसको चक्की पे लेके जाएंगे, वहाँ से उसका दलिया बनवाएंगे, फिर उसको लेके आएंगे फार्म पे और फिर जो भी हमने मिक्सिंग वगैरह करनी है वो करेंगे। उम्मीद पूरी है कि आज हो जाएगा ये काम। अभी मैंने कासिमी को फ़ोन किया तो वो आ जाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। अगर मैं वहाँ गया तो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या चीज़ हमने ली है। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में आपके साथ। माजरत, मेरे मोबाइल में कोई इशू हो गया था तो वीडियो नहीं बन सकी। बाकी ये कि अभी हम लोग रायवंड गए हुए थे वहाँ से सामान का पता करने के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई सामान नहीं मिला। एक बंदे को कहा है, इंशाल्लाह होपफुली कल या परसों हमारा वो सामान अरेंज हो जाए। अभी फिर हम जो वंडा आ रहा है ऑलरेडी, बोलान जो आपको दिखाया था वही डालेंगे। फिलहाल मजबूरी है, क्या करें अब। बाकी देखते हैं आगे, अगर हमें कल मिल जाए इंशाल्लाह। उम्मीद तो पूरी है कल मिल जाएगा। कल मिल जाता तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको बताएँगे। बाकी कासिम भाई अभी नहीं आए हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, 5-10 मिनट तक। दिलदार भाई लगे हुए हैं, चुवाई करने स्टार्ट कर दी है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, फिर इंशाल्लाह घर को निकलेंगे। आगे फिर जो भी होता रहेगा आपको बता दूंगा मैं। तो व्लॉग को दोबारा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो व्लॉग बनाया था वो एंड नहीं कर पाया, तो मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम जो ब्लॉग बनेगा उसको साथ इसके अटैच करके एक ही ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी मैं फार्म पे पहुँचा हूँ दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी दिलदार भी आए हैं, बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं आया उसके लिए माजरत, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी मैं फार्म पर आया हूँ, दिलदार भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, क्या हाल है? कट्टी मार के सुने? हाँ जी, हाँ जी। फिर वो तकरीबन 10:30 बजे मैं उन्हों देखा तो बोलने लग पी। अच्छा, तकरीबन 10 बजे मैं दूध पियाया एक बोतल। मैं फिर दो तीन बोतल बननी, एक बोतल उदो पियाई, एक फिर पियाई। अच्छा, फिर मैं आखिर हूँ इंज कर दें, चलो थोड़ा थोड़ा ना ठहर। तो फिर मच्छर बड़ा से उत्थे रखा उन्होंने मैं। फिर जी राती जिस मैं यानी करके कवर जाके लम्मा पैन, फिर आवाज आई। जब मैं आया वा ना तो मैंने वो हालत बिल्कुल ना जी, मैं आवाजा कड़न लगी। मैं फिर इतने वेखी छुरी मैंने अपने छोटी लदी ने, मैं फिर घर गया उसे सो गए बच्चे। हाँ। तो दरवाजा खटका खटको के मसा कोई 10-15 मिनट लग ही गया, 11:30 बजे तकरीबन समझो जी। मैं आगे वेखा तो बेचारी इजी फील हो गई। चलो अल्लाह का माल सी ले गया। अल्लाह हमारी जी कट्टी एक मर गई, आपको बताया था जिसको जिसका इलाज करवा रहे थे वो मर गई है। बाकी वो अल्लाह का माल है, अल्लाह ने वापस ले लिया। उसमें वो चीज़ नहीं है कि जी हम अल्लाह से तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसी ने दिया, उसी ने वापस ले लिया। बाकी ये है कि आज 3-4 काम है, एक जो दिलदार भाई से है, बाकी 2 काम हमें अपने हैं पर्सनल, वो इंशाल्लाह करेंगे। मैं जो भी करता रहूँगा मैं साथ आपको दिखाता भी रहूँगा। बाकी थोड़ी देर में मुलाकात होती है। कासिम भाई भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो उनको भी साथ लेके जाएंगे। बस जी, जानवरों का साइलेज ख़त्म हो गया था, आज साइलेज मंगवाया दोबारा। ये रक्षे आ गए, देख सकते हैं आप। मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ। रक्षे आ गए, दोनों रक्षे लगे हुए हैं। अब 30 गट्ठे आई हैं, 40 आई हैं, नहीं पता भी, मैं उनसे पूछूंगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। शिवास भाई गट्ठे आ गए, अभी मैंने तूड़ी भी मंगवाई है और तुड़ी भी अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साइलेज जी हम लोगों ने मंगवा लिया है, वो अंदर हमने अनलोड करवा दिया है, पेमेंट शेमेंट हो गई है उसकी। अब पीछे रह गया है, अल्लाह आपका भला करे, तुड़ी तुड़ी भी मंगवाई है, वो भी इंशाल्लाह अभी आधे घंटे तक आ जाएगी, उसको भी आगे अंदर लोड अनलोड करवा देंगे। शबाज भी आए हुए सामने, वो बैठे हैं अभी पहुँचे हैं। तो बाकी ये है कि अभी हम लोगों ने जाना है एक जगह काम, शबाज भाई ने और कासिम भाई ने, कोई ज़रा ज़रूरी काम है, तो वो लोग वापस आएंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ खाने पानी का भी इंतज़ाम करते हैं कुछ। ज़ाहरी बात है दोपहर का टाइम, भूख भी लगी, सुबह का नाश्ता किया हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो जो होता रहेगा फिर इंशाल्लाह आपको सबसे बताते रहेंगे। क्या है ना, तूड़ी देखा। हाँ जी सर जी, ये तूड़ी भी हमारी आ गई है माशाल्लाह।
ये बाकी अब महीना ही गुजारना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ज़्यादा थोड़ी मंगाएंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ी मंगाई है जो हमारा महीना गुजार दे। ये माशाल्लाह थोड़ी आ गई पीछे, अभी जी कासिम भाई वगैरह और शबाज वगैरह गए हैं किसी काम से, वापसी भी आते हुए खाना शाना लेके आएंगे इंशाल्लाह। रोटियां और पकौड़े मंगवा ली हैं, यहाँ से वही चीज़ साफ़ सुथरी मिलती है और तो कुछ मिलता नहीं है, तो वही मंगवा लिए। आगे इंशाल्लाह ताला है कोई प्रोग्राम दो चार इंशाल्लाह फ्यूचर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन वो टाइम आएगा इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी साइलेज और तूड़ी छूड़ी ये वो सब कुछ आ गया। वनडे के लिए भी हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि जी हमारा आज वहाँ से लोड हो गया है तो शाम तक आ जाएगा, तो वो शाम को आएगा तो फिर सुबह जा के वहाँ से उठा के और फिर ही चक्की पर जा सकता है, मतलब उसका दलिया बन के इधर हमारे पास आ सकता है। तो जो भी मिक्सिंग शिक्सिंग होगी उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा साथ साथ ना। अभी वैसे ही बैठे हुए जानवरों की बात कर रहे थे दिलदार भाई के साथ कि जी इस तरह है वैसे है फलाना आइटम खाना है जो भी है कि गायें शायों का रेट शेट ये वो, तो इंशाल्लाह देखें जो भी बेहतर चीज़ हमें लगेगी फील होगी कि यार ये चीज़ करनी चाहिए जानवरों के लिए या उनकी सेहत के लिए या अपनी मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे कि यार हम ये कर रहे हैं इस तरह कर रहे हैं। बाकी वो देखें मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, वो देखें वो बकरा और बकरी साइलेज खा रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम छोटे छोटे व्लॉग्स बनाते हैं आपके लिए, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा हर व्लॉग में आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, इसको देखा करें, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी सी हौसला अफजाई मिले कि यार नहीं यार हम काम कर रहे हैं, लोग हमें हमारे काम को पसंद करते हैं, ठीक है। और गायों से और भैंसों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जिस तरह की भी होगी, अब जिस तरह आज एक गाय है हमारी काली फ्रीजन है वो बोल पड़ी है, ठीक है, उसको डॉक्टर के लिए हमने उसको फ़ोन कर दी है, डॉक्टर आएगा अभी उसके अंदर इंशाल्लाह फ्रीजन क्रॉस का ट्रिक जो इंजेक्शन है या जो भी बीज है वो हम उसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे ताकि हमारी वो गाय भी जो है वो गबन हो जाए इंशाल्लाह ताला। फिर अगर वो जो भी प्रोसेस होगा वो मैंने लास्ट पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया, मैं आपको दोबारा वो प्रोसेस दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी भी खाना शाना आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या आया। हमारे ही दोधी साहब आ गए हैं, चुवाई का टाइम स्टार्ट हो गया, जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि चुवाई हम लोगों ने अब जल्दी स्टार्ट कर दी हुई है, 3:15 हो गए हैं, चुवाई आ गए हैं कासिम भाई चुवाई करने के लिए, ये सामने खड़े हैं। इनकी ये कंप्लेंट थी कि सर जी आप मुझे कल व्लॉग में लेके नहीं आए, तो मैंने इस तरह आपको पहले बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए व्लॉग नहीं मैं बना पाया, तो आज व्लॉग बना रहे हैं और कासिम भाई को भी हमने ले लिया व्लॉग में, ठीक है कासिम भाई। हाँ जी चुवाई करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। डॉक्टर यार नहीं सही बंदा, डॉक्टर करो यार फोन, दो घंटे भी लेट हो जाते वो टाइम तो बदल जाता है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आज साइलेज मंगवाया है, पहले 12.5 रुपये, पहले 12 रुपये था फिर 12.5 रुपये हुआ, आज 13.5 रुपये मिला है पर केजी। कहने का मकसद ये है कि बंदा क्या कारोबार करे या कौन सा कारोबार करे, हर चीज़ में महंगाई होगी, गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि ये हमारे मुल्क का बनना क्या है, हमारी आवाम का स्पेशली क्या बनना है। इस तरह महंगाई बढ़ रही है, चीनी आटा दाल आप सब कुछ देख लें, हर चीज़ की चीज़ें जो प्राइसेस हैं वो महंगी से महंगी ऊपर से ऊपर ही यही जा रही हैं, तो हमें देख सोचना चाहिए इस बारे में कि हम जिन बंदों को हम लेके आते हैं हुकूमत के अंदर वो हमारे साथ आगे से क्या करते हैं, इसलिए हमें ऐसे बंदे को लाना चाहिए जो कम अज़ कम आवाम की जो वो है ना ज़रूरियात उनका कम अज़ कम ख्याल रखे, बाकी जो उन्होंने करना है वो तो करना ही है ज़ाहिर बात है, वो हमारे कहने से या किसी के कहने से कौन सा रुक जाना है, लेकिन सोचना चाहिए आवाम के बारे में सोचना चाहिए, बहुत नुकसान होता है ऐसे। हमारी माशाल्लाह जानवरों की जो चुवाई है वो कंप्लीट हो गई है, अब बस घर को निकल रहे हैं, बाकी आप लोगों से एक ही इल्तिजा है, इल्तिजा के रिक्वेस्ट है, इल्तिजा समझ लें रिक्वेस्ट समझ लें कि चैनल को लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें देखें उसको। बाकी अपना जहाज़ तैयार हो गया अब घर को निकल रहे हैं इंशाल्लाह, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमारे लिए दुआ कर दिया करें,
बस जो रिक्वेस्ट की है बस उस पर पूरा उतर जाए बस, और कोई आपसे हमें और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चीज़ें चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।